नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में है लगातार, वो डॉक्टरों की निगरानी में है। नए साल पर लालू यादव भारत में नहीं होंगे, लेकिन सिंगापुर में ही उनको तोहफा मिलने वाला है। खबर आई है कि लालू प्रसाद यादव इस बार नया साल सिंगापुर में ही मनाएंगे, उनके साथ उनका पूरा परिवार होगा। लालू परिवार से कई लोग नए साल पर सिंगापुर जा रहे हैं। देश के प्रमुख शहरों के हवाई अड्डों के संचालन का काम निजी क्षेत्र की कंपनियां कर रही है। अब राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत देश के अन्य 25 शहरों के हवाई अड्डों को 2022 से 2025 के दौरान लीज पर देने के लिए सरकार द्वारा चुना गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि देश में पुराने हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा, साथ ही नए एयरपोर्ट का भी निर्माण कराया जा रहा है। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार के संकेत सामने आए हैं। जल्द नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इस खबर के आते ही सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार खरमास के बाद कभी भी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की वापसी की भी चर्चा है। ट्विंकल खन्ना अक्सर स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़बोलेपन के लिए चर्चा में बनी रहती है, लेकिन इस बार वह किसी और वजह से सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं। एक्ट्रेस और नॉवेल राइटर ट्विंकल खन्ना ने हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचोई का इंटरव्यू किया। इस दौरान ट्विंकल खन्ना ने सुंदर पिचोई से 3 जरूरी सवाल पूछे। उनका यह इंटरव्यू से कुछ फैंस को पसंद आया तो कुछ ने उन्हें ट्रॉल करना शुरू कर दिया। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को देश का पहला सियोरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस जारी किया। यह कदम इंफ्रा डेवलपर्स की बैंक गारंटी की निर्भरता को कम करेगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर है। देश की इस उपलब्धि में इंश्योरेंस की अहम भूमिका होगी। सियोरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस से तरलता और क्षमता दोनों की उपलब्धता निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बनने की कोशिश में लगे प्रशांत किशोर यानी पीके ने एक बार फिर नीतीश कुमार की राजनीतिक साख पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए बड़ा हमला बोला है। चल स्वराज यात्रा के दौरान पीके ने कहा कि केवल महागठबंधन बनाकर भाजपा को नहीं हरा सकते, नीतीश पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की पाठ्य पुस्तकों में अब श्रीमद् भगवद गीता को शामिल किया गया है। लोकसभा में सरकार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 6ठी और 7वीं क्लास में श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ और 11वीं और 12वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तकों में इसके श्लोकों को शामिल किया गया है। छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 80 से अधिक लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि बिहार सरकार के आंकड़े के मुताबिक कुल 38 लोगों की मौत शराब कांड में हुई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार मौत के आंकड़ों को छिपा रही है। जमुई में लोजपा सांसद चिराग पासवान ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला। चिराग ने छपरा शराब कांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। मैनपुरी के चुनाव नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी में किसी जिम्मेदारी को मिलने का इंतजार कर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता, पद मिले या ना मिले आजीवन समाजवादी पार्टी के लिए ही काम करूंगा, यह मेरा अंतिम फैसला है। बिहार की महागठबंधन सरकार में 7 दल शामिल है। सरकार में शामिल दल के कई नेता शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात कह चुके हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। महागठबंधन सरकार में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी इसको लेकर कई बार बयान दे चुकी है। मंगलवार को जीतनराम मांझी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में 50 से 60% नेता खुद शराब पीते हैं। चीन में एक बार फिर से कोरोना ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या से 85 से 95% तक का इजाफा हुआ है। आलम यह है कि अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। मरीजों को फर्श पर लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की भी कमी हो गई है। दवा और ऑक्सीजन का संकट भी गहराने लगा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इस दौरान कांग्रेस सांसद नकुल नाथ अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं। वह भारत जोड़ो यात्रा की तरह संसदीय क्षेत्र के आम लोगों से मिल रहे हैं। छिंदवाड़ा के परासिया में एक रैली में बोलते हुए सांसद नकुल नाथ ने अपनी यात्रा की तुलना भारत जोड़ो यात्रा से कर दी। नकुल नाथ ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा भीड़ मेरी रैली में है। देश के बैंकों का 92,000 करोड़ रुपए इस समय टॉप 50 डिफॉल्टर्स ने दबा रखा है। देश के शीर्ष टॉप 50 डिफॉल्टर्स ने बैंकिंग सिस्टम से 92,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की हुई है। वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी से यह पता चला है। इस लिस्ट में गीतांजलि जेम्स का नाम सबसे ऊपर है, जिसमें 78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की है। रैपिड ट्रेन दिसंबर 2023 तक मेरठ में पटरी पर दौड़ने लगेगी। शुक्रवार को आनंद विहार बस अड्डा परिसर में दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के भूमिगत हिस्से के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के एमडी विनय कुमार सिंह ने यह जानकारी दी।
17 साल बाद पाकिस्तान की धरती पर टेस्ट सीरीज खेल रही इंग्लैंड टीम ने कराची टेस्ट मैच 8 विकेट से जीत लिया है। इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 167 रन का लक्ष्य था, जो उसने खेल के चौथे दिन पहले सेशन में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले जब तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ था, तब इंग्लैंड ने 2 विकेट खोकर 112 रन बना लिए थे और उसे 55 रन की दरकार थी। भारत के टेनिस स्टार और 6 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब की विजेता सानिया मिर्जा और पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शोएब मलिक की तलाक की अफवाह इन दिनों चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। वहीं इन्हीं चर्चाओं के बीच सानिया मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसा लिखा है जो इस कपल के तलाक की ओर संकेत कर रहा है। वैसे तो आजकल बैंक के ज्यादातर काम घर बैठे ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कई काम निपटाने के लिए बैंक ब्रांच में जाना ही पड़ता है। ऐसे में यह भी देखना जरूरी है कि जब आप बैंक ब्रांच जा रहे हो, उस दिन कहीं बैंक बंद ना हो। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। साल 2023 के शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपको अगले साल किसी भी काम से बैंक जाना है, तो जान लें कि भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट के अनुसार साल 2023 में अलग अलग राज्यों में बैंक कुल 82 दिन बंद रहेंगे। पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। गरीबी से आम लोगों परेशान हैं, हजारों लोग पाई पाई के मोहताज हैं। ऊपर से गर्मियों में आई बाढ़ ने पाक की कमर ही तोड़ दी थी, जिसके बाद उसे दुनिया भर से सहयोग और चंदा मिला, लेकिन बाढ़ से विनाश के महीनों बीत गए। दुनिया भर से उसे अनाज, दवाई और पैसों के रूप में सहायता भी प्राप्त हुई, लेकिन वह अभी भी भीख मांग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के सभी सांसदों को स्वस्थ रहने का मंत्र देते हुए मिलेट्स अर्थात मोटा अनाज खाने की सलाह देते हुए लोगों के बीच भी इसे बढ़ावा देने की सलाह दी है। मंगलवार को संसद भवन परिसर में भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए मिलेट्स के भोजन को जन आंदोलन बनाने की सलाह देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पोषण अभियान को बढ़ावा मिल सकता है। जम्मू कश्मीर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जूनियर इंजीनियर पद पर आवेदन करने का एक और मौका कैंडिडेट्स को मिला है। बोर्ड ने JKSSB के JEE पद पर अप्लाई करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है। नोटिस में दी जानकारी के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इन पद के लिए 27 दिसंबर 2022 तक अप्लाई किया जा सकता है। पहले अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 दिसंबर 2022 थी। सरकार ने न्यूज हेडलाइंस नाम के एक यूट्यूब चैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश और चुनाव आयोग के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया है। प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार चैनल के कथित तौर पर 10 लाख सब्सक्राइबर और 32 करोड़ व्यूज हैं। लगभग 10 लाख सब्सक्राइबर्स और 32 करोड़ व्यूज वाला एक चैनल न्यूज हेडलाइंस प्रधानमंत्री, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के चुनाव आयोग के बारे में भ्रामक प्रचार करता पाया गया है। YouTube के रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र ने भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया और 2021 में देश में 7,50,000 से अधिक फुल टाइम नौकरियों का समर्थन किया। Google के स्वामित्व वाली कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने अभी घोषणा की है कि पाठ्यक्रम दर्शकों के लिए एक समृद्ध सीखने का अनुभव लाने के लिए एक नया प्रोडक्ट और क्रिएटर्स के लिए मुद्रीकरण का एक नया तरीका 2023 में बीटा में शुरू होगा। कोरोना वायरस ने चीन में हाहाकार मचाकर रख दी है और चीन के अस्पतालों में मरीजों की भर्ती के लिए जगह नहीं बची है, लिहाजा चीन में भारी संख्या में लोगों की मौत होने लगी है। वहीं अब वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि चीन की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। रिपोर्ट में पता चला है कि चीन में न सिर्फ बेरोजगारी में भारी इजाफा हुआ है, बल्कि चीन में कोरोना को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उसने देश की अर्थव्यवस्था की भट्टी बैठाकर रख दी है। हैदराबाद के खिलाफ रणजी ट्रॉफी से घरेलू क्रिकेट में कमबैक करने वाले सूर्य कुमार यादव ने शानदार वापसी की। उन्होंने इस मुकाबले में 80 गेंदों में 90 रनों की पारी खेली। दरअसल सूर्य व्हाइट बॉल क्रिकेट में लगातार शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, पर हैदराबाद के खिलाफ इस पारी से उन्होंने यह भी बता दिया है कि वह रेड बॉल क्रिकेट में भी अपनी लय को बनाकर अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना की पहल के तहत मुख्यालय 10 सेक्टर असम राइफल्स IZR के तत्वावधान में सांग शाक के स्कूली बच्चों ने सोमवार को भारतीय सैन्य अकादमी का भ्रमण किया। इस भ्रमण के दौरान सेना के प्रभारी अधिकारी के नेतृत्व में 26 छात्रों और 2 शिक्षक और अभिभावकों ने इस प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान का दौरा किया। गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचोई ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की है। दोनों के बीच भारत के डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक रणनीतिक विकास पर चर्चा की गई। सुंदर पिचोई ने भारत को एक बड़ी निर्यात अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा कि गूगल 100 से अधिक भारतीय भाषाओं के लिए एक इंटरनेट सर्च मॉडल विकसित कर रही है। महिलाओं के नेतृत्व वाली स्टार्टअप कंपनियों को 7.5 करोड़ डॉलर की मदद दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या तेजी से घटती जा रही है। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ के जंगलों को फिर से बाघों से गुलजार करने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात की जानकारी दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में टाइगर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार मध्य प्रदेश सरकार से 4 मादा और 3 नर बाघों को मांगेगा। इन सभी बाघों को बारन पापाड़ा अभयारण्य और अचानक मार टाइगर रिजर्व में रखा जाएगा। जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्र शेखर ने दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर आरोप की झड़ी लगा रखी है। सुकेश चंद्र शेखर ने एमसीडी चुनाव के पहले जेल से एक के बाद एक लेटर लिखकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगाए। मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान भी मुकेश ने आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा दावा किया है। सुकेश ने दावा किया है कि मैंने आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए। वर्ल्ड चैंपियन टीम के सदस्य इसके बाद ऊपर से खुली बस में सवार हुए और मेस्सी सहित कई खिलाड़ियों को गाते देखा गया, जबकि वे अर्जेंटीना फुटबॉल संघ के मुख्यालय तक की यात्रा करने के लिए सभी का इंतजार कर रहे थे। खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक हाईवे पर जुटे थे और अर्जेंटीना के ध्वज को लहरा रहे थे, जिसके कारण बस काफी धीमी गति से चल रही थी। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने इस दौरान व्यवस्था बनाए रखने का पूरा प्रयास किया। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सबाना कौशेर, मोहम्मद सकीर हुसैन, नुन्नू गोरु कुमार, चंदन टुड्डू, भान प्रकाश मौर्या, दीपक कुमार, बाबूलाल मरांडी, प्रदीप दास, सूर्या, के सिन्हा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, फेक न्यूज देने वालों पर सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।